दशरथ अवध लौटी नाए पाए हो राम राम बारिश के लिए पहचान है का होती मेढका बोले मेंढक बोले लागे कंडा धरक हो धर ले हो कर ले भैया वही है और हवा चले लागे कौन पूरा वैया बड़ेरी बांधे लागो हवा होती है कै हवा कै होती भैया दिशा कै होती दिशा होती है दस हवा कै होती है उनचास। अच्छा उनचास हवा कब बनी कितना बनी यह क्या अर्थ हो है? ये अर्थ है समुद्र के मंथन से। अब ना बात बताइए लेकिन हमारी आपकी जानिम चाह रहे हवा है कि हम आप चार दिशा जाने चाह रहे हैं हवा जाने तो हवा तमाम होती लेकिन याक हवाइश ए याक हवाइश चलते है जो अच्छे अच्छे के मुंह फाट जाते तो गैया कह रहे घ्यू ढूंढत कहूँ भाई से घ्यू ढूंढत हम भाजू ने कहे भैया तेरी वार हो ले है गल्ला लो लगाई तनी सब मुँह एकदम यू मानते थे ककरी आए फाट गवा है आवठ पर आवठ ना धर पावा तो खून भाद भाला 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 गल बताए या हवा कौन नहीं आए आए खरीटी हवा और यहाँ हवा चलते है देखे हुए हो जास हवा लाग तो भोर है जागत है खाती अरे भैया ने बड़ी एक दुर्गत खराब है काहे मन टूटती है ध्यान टूटती है कौन हवा है चले पुरवैया उठे लुंगड़ाहरी ध्यान काहे टूटत है हमार मन होत तनी जई ससुरारी जात है वो ससुरारी जी के चार छा ठौरी कुंवारी है हाँ समझ गयो नहीं समझ गयो समझ गयो हो समंदार ये चीज तो समंदार ही तरह हाई खोप इधर आंखी खुली क्यों सब जान गए मेरे बंदो तो सुन लो ए तो हवा चले नागपुर भैया अब ये अब जब हवा चले मेड़का बोले मोर नाचे तो ये सब समझ लो बारिश केरी अब चेटी ले ले अंडा भाग गए जान लो बरखा के लिए पहचान नहीं आए दशरथ जी अयोध्या अब जैसे अब बत्ती चली गए यहाँ क्या पावर हाउस कहाँ है भैया हैं सांडम है बत्ती चली जा तुम एक जना सांडे बत्ती जुड़वा हो जाओ तो कहा बत्ती जुड़वा है बत्ती संघ आ सकते हो नहीं आए भी हो वहाँ तो कटिया धरी गए लापदिया गए तुम हुए रह गयो यहाँ दशा भाई हुआ कि दशरथ जी जैसे उधर दृष्टि उधर सब बंद काटा दशरथ जी अयोध्या नहीं पहुंचा यहाँ मेघा झनर झनर झरी लाए पशु पक्षी पेड़ जीव जंतु सब मंगन होइगे अच्छा महीना के कौवा जो नहाए वह बेचारे कौवा मारे नहा लिया दशरथ महाराज के जय हो मजा आएगा वहा तुम लोग बड़े आनंदम हो
बहुत बढ़िया वाटर लेवल है, बहुत अच्छी जगह पर हो, हमारे उधर चलो। का कोई जरूरी नहीं कि सिंच कई बैग रहो, कहो दिन भर बांध भाई करो, और जो अंजन खलिया दी हो तो कहो निकाले न पाओ। बड़ी दिक्कत है, हम बजे रेगिस्तान मान का बकाई तो नहीं, बड़ी आनंद जगह पर हो, बड़ी अच्छी जगह पर हो। ना यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण है, ना यहाँ पर वायु प्रदूषण है, कोई प्रदूषण है। आप लोग प्रदूषण से रहित हो, हम लोग प्रदूषण में फंसे हैं। वायु भी प्रदूषण, ध्वनि भी प्रदूषण, और जल का भैया बहुत दूर वाटर लेवल पहुंच चुका है। इसलिए आप लोग बहुत अच्छी जगह पर हो, और अच्छी जगह को देखने के लिए हम लोग कथा सुनाने चले आउ थे। सुन लो, तो अब दशरथ जी के राज में सब खुशी हो गई, खुशी हो गई। महाराज दशरथ गीधराज जटायु से दोस्ती करके गीधराज अपने धाम फिर चला गया। वह दोस्ती बनी रही, वह दोस्ती बनी। अब सिद्ध होएगा, आज रावण जब सीता का हरण किया तो गीधराज जटायु ने देखा कोई इस दुखियारी की मदद नहीं कर रहा। तो गीधराज जटायु ने सोचा, ये तो मेरे मित्र दशरथ की बहू है, जब मेरे मित्र दशरथ की बहू है तो ये मेरी भी बहू हुई, इसलिए दोस्त कौने काम आएगा। दोस्ती दोस्ती होती है, दोस्त खुदा होता है। दोस्ती का एहसास तब किया जाता है जब दोस्त से दोस्त जुदा होता है। गीधराज जटायु ने सोचा, कौने दिन दोस्ती आई, कौन एक पागल लिया जा रहा है। अब आगे देखो भैया, गीधराज जटायु आगे बढ़ाऊंगा, है रावण दोस्त खड़ा हो जाए, स्टैंड अप प्लीज, स्टैंड अप। तू जानता मैं अकेले हूं, मदद नहीं करने आएगा। रावण हंसने लगा, रावण हंसने लगा। विचार किया, दुनिया में यहां इतना राजा महाराजा पैसा वाले भरे और कोई नहीं बोल रहा है। तनिक श्री चिरैया देखो कितना हमसे ताना मारे, मारे भी नहीं, काटा दल गट्टो जी। लेकिन एक बात और सुन लो, कोई को मारे जायो तो यू न सोचो हम मारन दियाब, मारो खायो सकते हो। मारे जब हैं जायो, जब अपनी पीठ पोड़ कर लिहो, बकाई तो नहीं है, मारो खाए के हिम्मत रखो तो जान लो मारे जायो। यू नहीं है कि गुस्सा आएगा तो हम है लटक रहे तो गलत हो जी। यू ध्यान दे रहे हो कहा कि मतलब यू है। रावण को अहंकार था कि चिरैया मेरा क्या कर लेगी, लेकिन गीधराज जटायु होने लगा संग्राम। क्या किया, आर्य चोचन मारी बिदार सिदे, शरीर छलनी कर दिया। जितना कोई कोई लड़का ना लिया है पथरा, अब मार गुलरी का यहाँ ऐसी वैसी मार छिछोड़ दिया है, तो जगह जगह से दूध धोई दूध, जगह जगह दूध धोई दूध। मार गुलरी बेचारी नहाए गए और कहा लगा, भैया मारे को बड़ी फोर धर दे हो, दूधे काम है तनों को फोर डर पूरी गुलरी, गलत बात बा, जत्ता प्रयोग करेगा वत्ते का खराब करो। चोचो से मार मार करके गीधराज जटायु ने रावण की, वो चिड़िया थी ना बलशाली चिड़िया थी, कोई लडुआ बढ़ुआ मार चोचो से रावण की सब दशा बिगाड़ दिया। जब दशा बिगाड़ दिया तो रावण को मूर्छा आ गए, तो रावण का रथ और रावण सब जमीन पर आ गया। रावण एकदम बेहोश गिर गया। जब बेहोश, अब सीता जी ठाणी दूर, अब देख लो इतने पर बात गलत है सही, सीता जी दूर खड़ी, हम जैसे उनके चक्कर मारे मार होते हो तो कम से कम ना कुछ करती तो सीता जी को तो घोरे मरती भाई गाय कहीं हमके। सीता जी दूर खड़ी, बोली नहीं, काहे नहीं बोली मालूम, सीता मैया नहीं बोली, क्यों, क्योंकि रावण को सीता जी बेटा समझती है, ओ पिता समझती है, और गीधराज जटायु को ससुर।
तो जब विचार करती समधि समधि लड़ते हैं तो फिर हमारी माँ मतलब कौन हुए, छोड़ाए पौ छोड़ाऊ तो प्रेम मई के जाते हैं ना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सीता जी जब बोली ने तो गिद्धराज जटायु ने सोचा ये ब्राह्मण है मर जाएगा। एक बात और सुनो, क्षत्रिय को कभी भी ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहिए। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, क्षत्रिय को कभी ब्राह्मण के ऊपर हाथ ना उठावक चाहिए, और ब्राह्मण को कभी कुंवारी कन्या पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। क्षत्रिय आदमी ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाता है तो उसका क्षत्रित धर्म नष्ट हो जाता है, और जब ब्राह्मण कुंवारी लड़की के ऊपर गलत निगाह सोचता है तो उसका ब्राह्मण तो समाप्त हो जाता है, इतना ध्यान दे देना। तो गिद्धराज जटायु ने सोचा मैंने क्षत्रिय का साथ किया है और अगर ये मर जाएगा तो हमारा क्षत्रित धर्म मेरे भाई का धर्म नष्ट हो जाएगा। तो विचार किया चलो कोई बात नहीं, बेहोश होएगा ऐसे छाड़ जाब नहीं ठीक, हो समाज तब जाए। तो गिद्धराज जटायु गया लंबे लंबे पखनन से रावण के हवा हाँ कैलाव, देखो पहले मारी से यह कहते हैं कोई कोई माताएं बहने देखो आदमी जब गुस्सा आ जाते मारे मुँह मुँह मारे मुँह मुँह मारे मुँह मुँह भात कोई देता बना बेचे हाथ परी है, तब दवा लावला कर फटकरी पियो फटकरी फटकरी फटकरी। तब जब बोली तो क्या कहती इतना मारियो मारे मारे शरीर सुखावत है मारे मारे शरीर सुखावती, पहले मुँह मुँह कूचिन है अब सोंठ भी आवत है नहीं। गिद्धराज जटायु लंबे लंबे पखनन से ने हवा हाँ कैलाग, जब लंबे लंबे पखनन से ने हवा हाँ कैलाग तो रावण तनुक कुनमुनान, जब रावण तनुक कुनमुनान जब हलाया हाथ गोड़ तो राम गिद्धराज जटायु ने सीता से कहा बिटिया चलो तुमका पहुंचा दी जहां से आई रहा चलो पहुंचा दे। जैसे एक कदम बढ़ा रावण तुरंत उठ के खड़ा हो गया, कभी ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए तुझे भूलने से पहले। हाँ 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 रावण बोला जानकी 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 गिद्धराज मैंने बाजी लगाई है जानकी, चाहे सब चला जा लेकिन मैं जानकी नहीं जाने दूंगा। गिद्धराज जटायु को अहंकार आ गया कि अब किन का बेहोश है कि अब किन का सुचाप है कही दिया, अब बिहार बिहार इनका बिहार बिहार जो कान उठावत है अब ही आ हमारे गांव कुतिया बहु रही हो गए हो वह गांव भरे नोचे डारे तैले हम कथा कह के पहुँच गए। जब कथा कह के पहुँच गए या कोई कथा ना सर मुल्ले आए तो कहला सब आए तो कहला हमारे नाना लड़का भैया सब दो रहे ख्याला करते हमारे गाँव घर है रोड पर। तो जब पता लगा कि वह बहू रही कुतिया बड़ा परेशान की है तो हम दोनों जने हम सोचे ना हम कहें चलो भर है काम द्वासर हो पहले बाद में पहले कुतिया का निपटावा जाई भर है उसका गजर दम उठ के मारा, लेकिन वह जब लेके चले हुआ गए तो वह जब चले भैया तो वह मूड उठाए दी हो मरे के बाद ही तब जय दाय मूड उठावा तय दाय लाठी मारे हम कहे तुम बिल्लाओ ना हम ले राइफल के संग गए ना जैले मन न जहे तले का छाड़ब ना साइकिल मधुआ दूसरे इलाकन छुड़वावा। सुनो कहे का मतलब यू है गिद्धराज जटायु ने सोचा कि अब इसको मार देंगे, लेकिन ये यू ने सोचो कि हम मारें दे मारू खाए सकत। अब कि रावण छोटा था जैसे गिद्धराज जटायु आगे बढ़ा तो गिद्धराज जटायु के रावण ने क्या किया मालूम, उठाया रावण के पास तलवार थी इस तलवार का नाम था चंद्रहास। रावण ने उठाई तलवार और धोखे में भैया धोखे में क्या किया गिद्धराज जटायु के रावण ने क्या किया दोनों पखना काट दिए। अब सुन लो भैया दोनों पंख काट दिए। अब भैया चिरैया पक्षी जानते हो सब हैं पखने के राजा हैं तो सब पखने के राजा। जैसे दोनों पखना काट दिए अब तो शरीर से खून बहने लगा बेकार हो गया। चौपाई आगे लिखी है सुन लो ¶¶
ततही पंख गिरो खग धरनी ततही पंख गिरो खग धरनी जटायु सीता को देखा। रावण ने सीता को लिया, तुरंत चल पड़ा। गीधराज जटायु के शरीर का खून बहने लगा, लेकिन जानत हो गीधराज जटायु को मरने की चिंता नहीं, सिर्फ चिंता एक चीज की है कि मेरे प्रभु अगर इस रास्ते में निकलेंगे और पता बताने वाला कोई नहीं, तो उसने केवल ये प्रण कर लिया था। एक बात बताई, जौनी चीज खातिन हम आप जिंदगी भर परेशान नहीं, और जैले वा चीज तुम्हारे सामने ना आई तैले जू नहीं निकरी। ये बात प्रण है तो हमने कहे, महाभारतों में लिखा है, रामायण तो लिखा, जिसमें भीष्म पितामह के शरीर में बाणों पर बाण छिद गए तो लोग आवे और कहे, बाबा तुम्हारे शरीर में बाणन पर बाण छिदे, बाणन के सैया बनी है, तो बाबा आप ऐस करो अपन चोलाण कह दियो। तो बाबा कहा लग, हम चोलाण ना खरब। भीष्म पितामह ने प्रण किया था, क्या किया था कि हमार प्रतिज्ञा है चाहे बाण रतने ने और घुस जाए, लेकिन हमारी यह प्रतिज्ञा है कि हमार प्राण निकरें कब, जब भगवान सामने होए। जैले भगवान हमरे नाम सामने तैले हम मरे ना। कितने दिन हो गए थे मालूम? 42 दिन। कत्ते दिन? 1 महीना 12 दिन। 42 दिन हो गए बाबा भीष्म पितामह अपने प्राणों को नहीं छोड़ा। एक दिन धर्मराज से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज हमारे ऐसे ऐसे भक्त हैं जो बाणों की सैया पर सो रहे हैं, लेकिन अपने प्राणों को नहीं छोड़े हैं, और जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक वो मरेंगे नहीं। धर्मराज बोले, फिर अतना कोनो ब्रह्मचारी है यू नहीं। भगवान बोले, ना मानो चलो। गए तो जहां पर भीष्म पितामह परे थे वहीं पर भगवान खड़े भए, तो भीष्म पितामह बड़े बड़े आंसू डार के रोने लगे। भगवान बोले, बाबा आप अत्ते दिन जिंदा का है रहो। तो भीष्म पितामह बोले, आज तक मैं सिर्फ यही भजन किया, तुम सामने हो मेरे तब प्राण तन से निकले, अब तुम आ गए हो, जब तुम थे तब हम नहीं, जब हम थे तब तुम नहीं, और तुम आए हो हम ना ही, अब आप आए जो तो हम नहीं रहो, जब आप नहीं रहो तो हम रहन, ये हमारी प्रतिज्ञा थी। तो जौनी चीज के लिए हम आप प्रण करब, जब तक वह चीज सामने ना आई तैले हम आप मर नहीं सकत। एक चौपाई तुलसी बाबा ने लिखा है, राम ए जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत राम कही आवुत नाही। एकार्थ दुई हैं, एक तो अंत में यहाँ भगवान मुँह से आवत नहीं, और एक तो अंतम भगवान ऐचा खोची में उतव नहीं। न भगवान हमरे मुँह से निकरें और न भगवान मदते करें हमें। अंत राम कही आवुत नाही, अंत राम कही आवुत नाही, जब तुम्हारे मुँह से नहीं आवत तो भी कहाँ आवत। मेरे बंधु, एक सेठिया मराई, बहुत पैसा वाला, कहते हैं कि अपने घर के अंदर तुमने बहुत व्यवस्था बना लिया, बहुरिया वाला कमरा अलगट है, बक्सा वाला अलगट है, रेडीमेड वाला अलगट है, और भूसा वाला अलगट है, कंडा वाला अलगट है,
और भैंसन वाला बाड़ा सरकारी है, तमाम सब व्यवस्था बनी है के भैया सब कमरा बनाए हो, किचन अलगट है, बाथरूम अलगट है, नहाए वाला अलगट है, खाए वाला अलगट है, लेटरिंग वाला अलगट है, सब जब कमरा अलगट है तो एक कमरा भला, एक कमरा इस बनवा लो 5-6 फुट का और ऊपर लिखा दो कि यू कमरा है मरे वाला। कोई कमरा बनवावा है मरे वाला? वह कमरा में यहाँ ये वादा करता हूँ कि मरती वक्त आदमी को बिल्कुल एकांत में पहुंच जाओ, चाहे ना हुआ घर वाला हो ना गांव वाला हो, वादा करता हूँ कि आपको भगवान स्वयं लेने आएंगे, स्वयं आ जाओ लेंगे, एकांत में चला जाओ चाहे। वे भगवान की याद आवत है कब? जब गांव वाला घर वाला कोई नहीं होते है, घर में गिर पर हो देखो लड़का घर में चुटा जा कहे हाय अम्मा, और ख्यातम चुटाएंगे तो कहे हाय बप्पा। लखनऊ देखे न मैडम हो रही डायरेक्ट बेग गए, और जब चलती है तो मान जाते हैं राणा प्रताप भुआ आ जाती है, तो जब डायरेक्ट बेग गए चलती हैं, जब चलती है तो जब हुआ डंडहिया बाजार में ठाक लाग गए तो हुआ ना घर में है ना ख्यातम है, तो क्या कहते आई माई गॉड, आई माई गॉड है का है गॉड माने क्या होता है भगवान। तो भगवान की यादगारी आती है कब? जब घर वाला और कोई सामने नहीं हो तब। अंत राम कही आ उतना ही अंत में आदमी मरत है तो कहो लड़का समझाओ तो मरी गवा, कहूँ बूढ़क समझाओ तो मरी गवा, ऐसे मरत एक सेठिया मराई पैसा के नाम बहुत रहे, तो लड़का बैठ बहुरियो बैठ पोताओ बैठ बूढ़ो बैठी, तो बूढ़ा खोपड़ी तो हमें ए बूढ़ो हमका बता दो कहा करी हम की हो कह रही, लड़का कहा बापा हमका बताओ तुम्हारा पैसा जमा कहाँ है चोरा हूँ वाला, बहुरिया कहा लगे पापा पापा मेरे भी नाम कर दीजिए, मेरी भी आशा बहू में खाता खुला है। ये दो तीन बातें भाई घुच घुच बुढ़ावा कहे गवा मरी, तब बड़का लड़का कहा लाख बप्पा हमका देख देखो कहत रहे और इका मतलब कोई बैंक में यहाँ पैसा जमा के ही नहीं है, तो सोचे लाग चलो को ना को बने जजवाड़ो गवा डॉक्टर साहेब से ने कहा लाग डॉक्टर साहेब ऐसा करो कोई ऐसा सब इंजेक्शन होए जो बप्पा दो चार जात 10 शब्द बोल दें, तो डॉक्टर कहा लगा हाँ हमारे पास एक इंजेक्शन होए और पापा बोल दे हैं और ज़्यादा ना बोले हैं 3-4 वर्ड बोल सकते हैं, तो इके रुपया पर हैं 12,000, तो वो सोचित 12,000 लाख जो बने गए तो लैटरी खोली हो जाई भाई बन गए बात है, बन गए बात नहीं बूढ़ा मारा आलू भात, तो सोचे लाग चलो 12,000 लाख के कोई बात नहीं बन जाए तो लाख 2 लाख बनी हुई है तब जुआ खेले नहीं जाए, तो कहे लाग लाओ 12,000 तो तुरंत जमा कर दिन, डॉक्टर साहेब आए गर्म शरीर रो है तुरंत इंजेक्शन ठोक दिन, जैसे इंजेक्शन लगाए दिन तो वह दवा मत्ती दम भैया कि वो बुढ़ावा लपद उठ के बैठेगा, अब वो का करना चाहिए जब 3 शब्द का मामला रहे तो वो 3 शब्द में का बोल भगवान का नाम, अगर भगवान का नाम शायद बोल देता तो शायद मरने के बाद भी तुरंत सुरपुर चला जाता या तर जाता, लेकिन वो भैया 3 शब्द बोला तो राम का नाम नहीं लिए, लड़कों 12,000 रुपया था बने जुगाड़ में बूढ़ा बने जुगाड़ में यहाँ, और ए और तनिक दूर पड़वा बांधा 2-3 बजगा रहे तो पड़वा मारे भूख करके रे जो द्वार बाहर आ जा झाड़ू वो खरा हरा लपक लपक चबाए, तो बुढ़वा उठा तो बुढ़वा उठा बुढ़वा उठा तो जब देख लड़का रुआवे लाग तो बुढ़वा उठा कहा कह लाग अरे हम काका जा खदियो हम काका जा खदियो उह जा पड़वा झाड़ू खाए उह जा पड़वा झाड़ू खाए अब उह जा पड़वा तीन ना झाड़ू झाड़ू कहित गपत गिरा मरी गवा, तब बड़कवा लड़का कहा लग 12,000 सारी होगी इतने एक सार पड़वा ही मर जाते तो झाड़ू खाए जाते कम से कम 12,000 रुपये तो बचती, अगर 3 शब्द वो बोल देता तो शायद तर जाता, तो कहते कि अंत समय में एक तो भगवान आते नहीं और किसी के आत्मम भगवान भी आते नहीं अंत समय में, भैया सबका परिवार दिखाते हैं, आओ हम कितनी विचित्र बात बता रहे थे जटायु भगवान से कहने लगा प्रभु
मेरे ऊपर इतनी कृपा बरसाए रखना कि जब तक आप मेरे सामने ना जाओ, जब तक मैं माता सीता का पता ना बता दूं आपसे, तब तक मेरे प्राण ना निकल पाऊं। ये मेरी प्रार्थना है आपसे, रिक्वेस्ट है, याचना है, वंदना है, निवेदन है। इतना जब कह दिया भैया, इतना जब कह दिया मेरे बंधु, अब गीधर जटायु परा है और इधर भगवान श्री राम